समाज का महासम्मेलन चल रहा है पानीपत में, और आज ये लोग जो है कलंदर पीर पर चादर चढ़ाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ में जो तिरंगा लहराते हुए ये किन्नर समाज के लोग हैं, और आज ये पानीपत में इनकी शहर में जो है शोभा यात्रा निकलेगी। तो एक खूबसूरत तस्वीर जो है वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा और वंदे मातरम बोलते हुए ये किन्नर जो है कलंदर पीर तक पहुंचेंगे। उसके बाद पानीपत के विभिन्न बाजारों में घूमते हुए ये लोग वापस 13-17 तक पहुंचेंगे। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के किला क्षेत्र से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। ये हाथ में तिरंगा लहराते हुए ये किन्नर समाज के लोग हैं। पिछले कई दिनों से इनका कार्यक्रम जो है पानीपत में चल रहा है। ये तिरंगा किस लिए उठाया आप लोगों ने? ये इसलिए उठाया, अपने देश के लिए उठाया, अपने तिरंगा, अपने भारत को रोशन के लिए भी है ना, इसलिए कोई संदेश देते जा रहे हो आप लोग? कोई संदेश दे रहे हो आप? ये तिरंगा आदमी यही संदेश देना चाहेंगे, भारत में प्यार बना रहे, हमारे भारत में सुख शांति अमन बनी रहे और सारे भारतवासी सब खुश रहे। और ये पानीपत के लोग जिन्होंने हमारे लिए सब रखा है, ये हमेशा फूले फले और सदा सुखी रहे, खुश रहे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए दिल्ली से। दिल्ली से पानीपत में कितने दिनों से आप? हम लोग तो फिलहाल आज ही आए, और वैसे तो 10 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। हाँ जी हाँ जी, साथ के और भी लोग काफी दिन से यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, हम लोग तो आज ही आए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देन बाय। हाथ में तिरंगा लिए ये लोग संदेश दे रहे हैं एक कि मिलजुल कर जो है रहे। ये देखिए किन्नर समाज के लोग हैं, वीडियो साथ के साथ शेयर जो करें। स्वागत इनका जो है नाच गा कर डांस करके जो है इनका स्वागत जो है किया जा रहा है, और बड़े भव्य तरीके से अच्छे तरीके से ये लोग अपना कार्यक्रम जो है कई दिनों से पानीपत में कर रहे हैं। तो लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर आप किन्नर समाज से जुड़ी हुई खबरें वीडियो जो है लगातार देख रहे हैं, और आज सुबह से हम लोग दिखा रहे हैं जैसे कलंदर पीर पर ये लोग पहुंचे हैं, चादर चढ़ाई जाएगी और उसके बाद इनका कार्यक्रम जो है अगला होगा। मेरे साथ दो खूबसूरत किन्नर जो है मंगलामुखी है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिवानी है। आपका? मेरा रज जी। कहाँ से आए आप? मैं दीनानगर से। अच्छा। मैं अमृतसर से। अच्छा, कैसा लग रहा है पानीपत में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ देखने के लिए भी कुछ मिला हमें। हमारा दरबार भी में आए हम घूमने के लिए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। अच्छा, कभी पानीपत के बारे में सुना था आप लोगों ने? नहीं, पानीपत के बारे में मतलब हमको तो पता नहीं, हमारे जो बुजुर्ग ने वो लोग को पता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, आपको पता है? हाँ, ऐसा सुना है। ऐतिहासिक है पानीपत? हैं, ऐतिहासिक पानीपत में आप लोग खड़े हैं? हाँ जी हाँ जी, ऐतिहासिक जगह है आप लोग यहाँ पे। यहाँ हमारे यहाँ किन्नर समाज का सम्मेलन चल रहा है, इसमें हम ऑल इंडिया के किन्नर समाज आते हैं, इसलिए हाँ, इसलिए मतलब सब किन्नर समाज यहाँ पे इकट्ठी हुई है, और सब बच्चों वालों की दुआ मांगते हैं यहाँ आके, सबके बच्चों वालों का भला हो और सबका दुआ मांगते हैं। आज आए हैं आप लोग? नहीं, हमें 8-9 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए, इसलिए। क्या क्या देखा पानीपत में आप? मैं पानीपत में बहुत अच्छा देखा है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। पावन स्थान मिला देखने के लिए, सबसे बेस्ट स्थान ही है ये मंदिर, जिसको भगवान का नाम भी दिया जाता है। खरीदारी भी करी पानीपत में? नहीं। हाँ जी, की है बहुत सारी, की कर। सत श्री अकाल सारे अनु, सत श्री अकाल। अच्छा, अब आपसे बात कर लें, कैसा क्या सफर रहा पानीपत में? सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम आपका रहेगा पानीपत में? हाँ जी, 2 दिन का रह गया है, और जितने दिन से 5 दिन पहले से हो रहा है, 5 दिन से दुआ की जा रही है बच्चों वालों के लिए, इनके बच्चे जीते रहे, और आज कल अंदर पीर पे आए, बहुत अच्छा लगा। अंदर चादर चढ़ा रहे हैं हमारे दादी लोग और गुरु लोग, सब लोग अंदर हैं, हम लोग बाहर खड़े हैं। ये सम्मेलन हर साल होता है आप लोगों को? हाँ जी, हर साल होता है पानीपत में, तो हर ईयर से हो रहा है अब तो, अभी तक तो। आप कितनी बार पानीपत आ चुके हैं? मैं कितनी बार आ गई, मेरे को तो 4 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, कुछ खरीदारी भी करी पानीपत में? नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से बाजार जो है गुलजार हो गए। खरीदारी कर ही रहे हैं हम लोग, तो परमानेंट ही यहीं रहते हैं। अच्छा। साधना जी के पास में। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? बड़ा अच्छा सम्मेलन था आप लोगों का। थैंक्स, बस मैं यही बोलना चाहूँगी इसलिए कि यहाँ पानीपत में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों की आदत बहुत अच्छी लगी, और सबके बच्चे जीते रहे बने रहे, हमारी तो बस यही दुआ है,
और अभी हमारे गुरु लोग दादी लोग सब अंदर चादर चढ़ा रहे हैं, यही दुआ मांग रहे हैं, सब फले फूले अच्छे से, बस यही बोलना चाहूँगा। मुरादाबाद से आई हुई है। हाँ जी, मैं मुरादाबाद से। हाँ जी नमस्कार, मैं सारे पानीपत के जितने भी बहन भाई हैं सबको हाथ जोड़ के उनका प्रणाम। बहुत अच्छा लगा पानीपत में आने की, बहुत अच्छा, बहुत सम्मान दिया इन्होंने आपने। हमारे से सम्मेलन होता है, ऐसी खुशियाँ आपके बच्चों के आपके कारोबार के लिए हम दुआ करते हैं सारे चैनल। अच्छा जी नमस्कार। अच्छा आप इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? इसके बाद भी बस आज ये लास्ट है, कल जितने भी हमारे बाहर बाहर के लोग आए हुए हैं किन्नर उनकी विदाई है बस। बड़ा खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हो आप लोग। कोई नहीं, जीते रहे हमारे बच्चों वाले देने वाले सब उन्हीं का है, जिनके लिए दुआएं करते हैं वो देते हैं, उन्हीं के लिए दुआएं करते हैं जी। पानीपत में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी तरह की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, तो 4 ईयर्स हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। सारे पब्लिक को नमस्ते। मेरा गणतंत्र दिवस में हमारे सम्मेलन में आज हम लोगों का यहाँ पे चद्दर पेश किए हम लोगों ने, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार है हरियाणा पुलिस और हरियाणा के सारे जितने भी भाई थे, सबके खूब भला हो, भगवान करे उन लोग बच्चे वालों की बच्चे जीते रहे, राजी रहे। दीदी कहाँ? कलंदर पीर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी यहाँ से चादर पोशी करने के बाद ये लोग वापस जो है सेक्टर 13-17 में पहुँचेंगे, और इस कार्यक्रम के दौरान और क्या क्या रहेगा हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।